press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और दमदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक खबर और आई है नाज़िया जी, कि टोटल 13,906 मदरसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में क्लोज किया जाएगा। SIT ने बोला है एक्शन लीजिए इन इलीगल मदरसे के खिलाफ। इन मदरसों में एक मतलब करीब 18 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचिंग मिल रही है फॉरेन फंडिंग से। ये भी एक गेम है, ये भी एक बड़ा गेम है। क्या क्या ऐसे मदरसों को बंद करना, क्या वो तो बोलते हैं ओवैसी साहब, बोलते हैं कि ये तो मुसलमान पे जुल्म है। देखिए, मदरसे के अंदर अल कुरान पढ़ करके तो कोई IAS IPS बन नहीं सकता है, कोई इंजीनियर डॉक्टर तो बन नहीं सकता है। बल्कि मदरसे के अंदर मेरे पास पूरी फाइल पड़ी हुई है कि हजारों केसेस हैं, हजारों लिस्ट में केसेस, और कोई भी गूगल से निकाल सकता है, कोई भी, एनीवन कैन डू दिस। कितने अनल सेक्स हुए हैं, कितने मोलेस्टेशन हुए हैं, कितनी दुर्दशा हुई है, बच्चों को मारा पीटा जाता है और बच्चों को दिखा करके उनके नाम पर मॉडर्न जजिया फितरा जकात भीख ले करके अपनी अपनी जिंदगी को बहुत ऐशो आराम का बनाते हैं। कौन? यही मौलवी मुल्ला और मौलवी। अब बात आती है कि आपको याद होगा कि 9 अगस्त 2023 को एक मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था हमारे भारत के अंदर, जिसमें यह बताया गया था कि कई ऐसे मदरसे हैं जिसमें बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो सरकार से भी पैसा ले रहा है और बाहर देशों से भी पैसा मंगवा रहा है। कई स्कॉलरशिप जो है वो सरकार से लिए गए हैं और उस बच्चे का कोई नाम पता ही नहीं है। और तकरीबन 2275 सिर्फ एक मदरसे की मैं अभी बात बता रही हूँ, 2275 एक मदरसे में बच्चे थे जिसका रजिस्ट्रेशन एक ही फोन नंबर पर रजिस्टर्ड हुआ था और वो कोई बच्चा था ही नहीं। तो सरकार की आंख में धूल झोंक करके इन मदरसे वालों ने बहुत नंगा नाच किया है। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार का काम मौलवी मुल्ला बनाना नहीं, सरकार का काम मुअज्जिन और खारी बनाना नहीं है। सरकार से अगर ये धर्म के ठेकेदार ये कहे खड़े होकर के कि हमारी बेटियों को IPS IAS बनाओ, हमारे बेटों को IPS IAS बनाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनाओ और स्कॉलरशिप दो, तो मैं इन अश्लील धर्म के ठेकेदारों के गले से गला मिलाऊंगी, उनका साथ दूंगी और कहूंगी कि ये शिक्षा पर बात कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं किया है इन्होंने कभी भी। अब SIT कमेटी उत्तर प्रदेश ने एकदम पूरे तरीके से रिपोर्ट बना करके 13,000 मदरसे इलीगल है और पाकिस्तान, सीरिया, अफगान और कुछ ऐसे मतलब जंगजू टाइप के और तालिबानी टाइप के जो देश है, मुस्लिम देश में, वहां से ये पैसे आ रहे थे जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे थे, जिसको अकाउंट में इन लोगों ने नहीं दिखाया। जैसे आप बॉम्बे के मोहम्मद अली रोड में जाइएगा भाई, तो बॉम्बे के मोहम्मद अली रोड में कभी भी ना सुलेमान मिठाई वाला या और भी जो मुसलमानों, सारे मुसलमान के ही ये दुकानें, वो लोग आपसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं, या कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमको कैश में दो, मेरे को कैश में दो। तो उसी तरीके से ये जितने मदरसे हैं जो अभी SIT के प्रोब के रडार में आए हुए हैं और जिनके पैसे पर सवाल जवाब पूछा जा रहा है, ये भी ऐसे ही हवाला के तौर पर पैसे मंगवाते थे। अब इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं लोगों को समझने के लिए। जैसे हमारा पंजाब बर्बाद हुआ था किसकी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता था और आप इस मामले में मतलब फॉरेन एक्सपोर्ट के मामले में आप सबसे ज्यादा मुझसे भी एक्सपोर्ट है, ये मुझे पता है। तो पाकिस्तान जिस नशे, जैसे हम बोलते हैं गांजा, चरस, कोकीन बोलते हैं, पाकिस्तान उस नशे को आइस बोलता है, ताकि लोगों को समझ में ना आए कि वो क्या देना लेना कर रहा है। तो पंजाब हमारा क्यों बर्बाद हुआ था, अब तो संभल गया पंजाब, लेकिन फिर भी उतनी तरीके से नहीं समझा। तो उसी तरीके से नेपाल बॉर्डर के पास में मदरसा, बांग्लादेश बॉर्डर के पास में मदरसा, उसके बाद में म्यांमार बॉर्डर के पास में मदरसा, उसके बाद फिर आपका जितने भी बॉर्डर लगते हैं इस टाइप के मुस्लिम कंट्री के, वहां के पास में मदरसा जरूर होता है। और ये मदरसा होता ही इसलिए है ताकि नशे का सामान मंगाया जा सके और हवाला से कैश मनी मंगाया जा सके, और साथ साथ वो जो पेट्रोल बम ये लोग बनाते हैं शीशे का, उसके अंदर कोई एक लिक्विड डाला जाता है, वो ये लोग मंगवाते हैं और यहाँ की शांति को भंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि SIT कमेटी फिर भी अभी भी लेट है, इमीडिएट बुलडोजर चलना चाहिए और ये जितने भी
जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएट भारत से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ खतरा है भारत के, भारत की तरक्की के लिए, भारत के लोगों के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में याकूब मेमन ने क्या किया था, महाराष्ट्र का वोटर आईडी कार्ड उसके पास था, लेकिन वो कर क्या रहा था महाराष्ट्र के खिलाफ, वो कितना कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था ये सबको पता है। कश्मीर में यासिन मलिक, कश्मीर का वोटर आईडी कार्ड था, पर कश्मीर के खिलाफ हिंदुओं को खत्म करने के लिए वो कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी कर रहा था ये सबको पता है। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। तो उसी तरीके से राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सलार अवेसी, असदुद्दीन अवेसी, ये सारे मदरसों का हेड बन करके, ये सारे मदरसों का और मुसलमान जो आतंकी मिजाज के उनका नेता बन करके, जिस तरह से उसके बाप दादा ने भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया था, वैसे ही अवेसी भी भारत को नुकसान पहुंचाने का पूरा स्ट्रेटेजी रेडी करके रखा है। राइट। एक श्याम श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि रोहित भाई, नाजिया जी, आप दोनों बनारस आइए और काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन कीजिए। ये तो जरूर होगा, नाजिया जी मेरी छोटी बहन है, जरूर आऊंगा, नाजिया जी के साथ ही आऊंगा, टेंशन क्या है। और अभी हम गए थे ना उत्तर प्रदेश के धामपुर मठ में, एक साथ ही तो गए थे। हाँ, धामपुर में एक मठ में हमने एक साथ ही, सच में बहुत खूबसूरत विजिट था भाई, बहुत खूबसूरत विजिट था, और मठ में भी बहुत अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअल माहौल था, नो डाउट अबाउट इट। और हमने ये देखा कि वो कितनी अच्छी तरीके से वो लोग अपनी पूजा पाठ करते हैं किसी को डिस्टर्ब किए बिना। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। एक टॉपिक और था अभी ट्रेंड कर रहा है पिछले 48 घंटे से, वो है इंद्रलोक। इंद्रलोक में एक पुलिस वाले ने आकर के कुछ नमाजियों को उठाने की कोशिश की, लात मारी, लोगों ने बोला कि गलत है, मैं अपना कोई व्यू नहीं दूंगा यहाँ पर। कल मैंने आरजू कासमी के साथ प्रोग्राम किया था, अच्छा लगाया था उस प्रोग्राम को, आरजू जी ने बोला कि हमारे पाकिस्तान में कोई सड़क पे नमाज नहीं पढ़ता और ना पढ़ सकता, सेक्युलर कंट्री में कैसे सड़क पे नमाज पढ़ी जा सकती है जब एक इस्लामिक कंट्री में नहीं पढ़ी जाती। इस पर आपका टेक क्या है? देखिये, मैं तो कहूंगी कि पुलिस ने थोड़ी सी गलती तो कर दी है, जिसको मैं मानने से पीछे नहीं हटूंगी। बेसिकली पुलिस को दो रास्ते थे उसके पास, या तो ये मतलब चिटिंगबाज शेख जो अपने आप को बनते हैं मुसलमान चिटिंगबाज शेख, एक तो अरब का शेख होता है और एक भारत का चिटिंगबाज शेख है, तो ये जब नमाज पढ़ रहा था तो या तो अरब के हिसाब से इनको पनिशमेंट देना चाहिए था, पिछाड़ में लात नहीं बल्कि पिछाड़ में कोड़े मारने चाहिए थे, जो अरब में मारा जाता है जब रोड पर कोई नमाज पढ़ता है। और दूसरा कि शांति से उसको नमाज पढ़ने दे देना चाहिए था, उसके बाद कॉलर पकड़ करके घसीट करके जीप में डाल देना चाहिए। दो सूरतें थी, लेकिन शायद वो माहौल, क्योंकि कन्विंस करते करते किसी को कोई इंसान थक ही सकता है, तो जो पुलिस ने किया लात मारा पीछे से, उसकी सजा उसको मिल चुकी है और बिल्कुल उसकी वर्दी छीन ली गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके ऊपर कमेटी बैठ गई है और काफी कार्रवाई उसके ऊपर कानूनी तरीके से हो गई है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि रोहित भाई, जब नमाज वहां पर लोग पढ़ रहे थे और आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, और जुमा की नमाज बिना खुतबे और बिना तकरीर के कभी होती नहीं है, कभी भी नहीं होती। दूसरा सवाल ये है मेरा, ये रोड तो पाक साफ होता नहीं है, और मुसल्ला यानी कि जानमाज हम तभी बिछा सकते हैं जब जमीन पाक और साफ हो, साफ सुथरी, तो कम पाक तो होनी बहुत जरूरी है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये वीडियोग्राफी करने के लिए ऐसे क्यों खड़ा हुआ था मुसलमान लोग, उनको कैसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और हम वीडियोग्राफी करेंगे, और क्या नमाज के वक्त में वीडियोग्राफी जायज है? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एक तस्वीर भी नहीं है, तो नमाज पढ़ते वक्त वीडियोग्राफी और कैमरा ऑन करना, ये तो भाई क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है कि जानबूझ करके इस स्ट्रैटेजी को, इस चीज को क्रिएट किया गया था, लोकसभा इलेक्शन पास में है और कॉमनल राइट कराने के लिए इस चीज को क्रिएट किया गया था। लेकिन मैं दाद दूंगी, मैं हैट्स ऑफ करूंगी कि जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट ने इतनी खूबसूरती से उस ऑफिसर की तो वाट लगाई, बिल्कुल लगाई, और ठीक लगा भी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाजिया खान जी ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात की। सबसे पहले जो यूपी में योगी सरकार का फैसला है जिसमें 13,000 मदरसों को तोड़ा जाएगा, उस पर आपने जानी नाजिया खान जी की पर्सनल राय, और दूसरा आपने देखा जो दिल्ली में नमाज कांड हुआ, जहां पे दिल्ली पुलिस ऑफिसर को इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि रोड पे नमाज पढ़ रहे नमाजियों को उसने लात मारी, तो इन दोनों मुद्दों पे आपने जानी नाजिया खान जी की बेबाक राय। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार
हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।